खेल खेल रहे हो? हाँ मीरान साहब, सब ठीक तो है ना? मेरे कमरे से सामान किसने निकाला? गोनल साहबा, उन्होंने आपके कमरे का सारा सामान उठा के वो अपने कमरे में ले गई हैं। गोनल, गोनल। या अल्लाह खैर। तो ये सब यहाँ है। मेरे कपड़े यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ बताओ, जवाब दो मुझे गोनल, तुम किससे पूछकर मेरा सामान यहाँ पर लाई हो? क्योंकि यही सही जगह है और अब तुम भी यहीं रहोगे मेरे साथ इस रूम में। गोनल, आखिर ये बात मैं तुम्हें कितनी दफा समझाऊं? मैं इस रूम में नहीं रहूंगा, समझ लो ये बात। क्यों नहीं समझ जाता तुम्हें? हाँ, तुम अपनी मर्जी से सब क्यों करती हो? जवाब दो मुझे, क्या हमारे दरमियान कुछ चेंज हुआ जिसका मुझे नहीं पता? गोनल, क्या इंतकाम अभी तक खत्म नहीं हुआ? मीरान, आखिर ये कब खत्म होगा? जिस लड़की के पीछे तुम भाग रहे थे, अब देखो उसने भी तुम्हें छोड़ दिया है। मीरान, तुम्हें धोखा देकर चली गई, क्यों नहीं समझ रहे? बस अब बहुत हो गया, मैं तुम्हारा वेट करते करते थक गई हूँ, अब नहीं होता, सुन लो तुम। मत करो वेट, मत करो वेट। तुम्हें किसी ने कहा है वेट करने को? आखिर हम ये बातें कितनी दफा रिपीट करेंगे गोनल? मत करो, मत करो रिपीट। मैं तुम्हारी बात हजार दफा सुन चुकी हूँ और मैं तुम्हें बार बार एक ही बात समझाती भी रही हूँ मीरान, लेकिन तुम होके समझ नहीं जाते हो। वो लड़की तुमसे नफरत करती है मीरान, वो इतनी नफरत करती है कि तुम्हारी वजह से अपने कजन से शादी कर रही है मीरान, और उसने तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ दिया है। कहाँ गई वो तुम्हारी नफरत? हाँ, तुम तो उन लोगों से बदला लेना चाहते थे ना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपने आप से ही हार गए हो तुम? गोनल, तुम्हारी जबान बहुत लंबी हो गई है, एक घंटे में ऐसा वापस पहुंच जाना चाहिए, समझे तुम? तुम्हारा वक्त नहीं रहा मीरान, वो लड़की अब तुम्हारी जिंदगी में नहीं आएगी। सीधे रास्ते पे आओगे मीरान, जानती हूं तुम जरूर आओगे। मैं रयान को वो सच बता दूंगा जिसके लिए झूठ बोलते रहे हो तुम, कि वो शादोलो खानदान से नहीं है। और तुम कितने अरसे से झूठ बोल रहे हो उससे, फिर देखूंगा कि तुम उससे कैसे नजरें मिला पाते हो और वो कैसे जाती है तुम्हारे साथ। ऐसा नहीं कर सकते। कर सकता हूँ, अगर मेरी औलाद को मुझसे छीनोगे तुम, तो मैं तुम्हारी औलाद छीन लूंगा तुमसे। और अपने शौहर से कहो कि तुम्हारी फैमिली कहीं भी नहीं जा रही है इस घर से, तुम्हारा जीना मरना यही है। क्या बात है जहरा? फिजर साहब। हाँ बोलो, क्या हुआ है जहरा? ये तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है, बहुत बर्दाश्त किया है तुमने, मुझे पता है, बस थोड़ा और सब्र। मैंने कसम खाई है तुम लोगों को ऐसी जगह पर लेकर जाऊंगा जहां हम सब खुश रहेंगे। रियान को बचाने के लिए हमारा यहां से चले जाना ही बेहतर है। रियान को ऐसे शख्स से शादी करने दें जिससे उसे मोहब्बत नहीं? नहीं, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहूंगी। रियान मेरी बात ही नहीं समझ रही, उसने फैसला कर लिया है। रियान ऐसा अपने आप को खुश करने के लिए कर रही है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं कि वो परेशानियों में घिर जाएगी। अगर हमने अपनी बेटी के लिए सब कुछ नहीं किया तो सारी जिम्मेदारी हमारी होगी और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। आप ये क्या कह रहे हैं खसर साहब? जहान आया था मुझसे बात करने के लिए, कह रहा था कि मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा आप लोगों की वजह से मेरे सामने खड़ा हो जाए। आजाद को नहीं रोक सकता वो, और ये भी कह रहा था कि हम अपनी बेटी रियान को पहले कहीं और भेज दें ताकि इस शादी को रोकने में हम लोग कामयाब हो जाएं। रियान को कहीं भेज दे, क्या ये ठीक रहेगा? अगर हम रियान को कहीं भेज देते तो हमें भी टाइम मिल जाएगा, इस तरह से हम इस शादी को रोक सकते हैं। बताइए क्या कहते हैं आप खिजर साहब? हम अपनी बेटी को आखिर कहां भेजेंगे जहरा?
रेयान तुम बिजी तो नहीं हो? अंदर आ जाइए आजाद भाई। फिर से आजाद भाई। जब तुमने मुझे पहली बार मुझे सिर्फ आजाद कहा तो मुझे लगा मैंने पहली बार अपना नाम सुना है। अब ऐसा क्या हुआ कि दोबारा आप आजाद भाई बन गया है? कल हमारा नया रिश्ता नहीं बन जाएगा? बोलो। अभी सब खत्म नहीं हुआ, बाकी है। वो मक्कार शख्स अब तक तुम्हारे दिलो दिमाग से नहीं निकला। अब भी समझ जाओ रेहान, वो एक झूठा शख्स है। जो कुछ उसने कहा और किया वो सब कुछ एक झूठ था, फिर भी वो अब तक क्यों है तुम्हारे दिल में? हम दोनों इस बारे में पहले बात कर चुके हैं और मैंने जो कुछ कहा था आपने सब कबूल किया था। प्लीज आप ऐसी बातें नहीं करें मुझसे। मैं समझता हूँ तुम्हारा क्या मतलब है रियान। मैंने अपनी मोहब्बत को साला साल अपने दिल में छुपाए रखा। देखो, तुमने मुझसे शादी के लिए दो शर्तें रखी थी जिसे मैंने पूरा किया। तुमने कहा था तुम इस हवेली में वापस आओगी, जिसके लिए मैंने सबसे लड़ाई की। तुमने कहा था कि हम दोनों अलग अलग रहेंगे। मैंने अपनी मोहब्बत को कंट्रोल कर लिया, सब कुछ एक्सेप्ट किया, लेकिन फिर भी अगर तुम उस शख्स के बारे में सोचोगी तो ये मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब तक वो कैसे तुम्हारे ज़हन पर सवार हो सकता है, कैसे? और अब आप मुझे डरा रहे हैं। I'm sorry, रेहान, ये मेरे लिए भी आसान नहीं है। ऐसी जिंदगी गुजारना बिल्कुल आसान नहीं, मगर मुझे हर हालत में साथ चाहिए तुम्हारा। इंसान चाहे कितनी गलतियां कर बैठे पर उसे एक मौका तो मिलना चाहिए। बहैसियत महबूब ना सही, एक दोस्त की हैसियत से। तुम समझ रही हो ना, तुम्हें मायूस नहीं करूंगा मैं और कभी तनहा नहीं छोड़ूंगा। बस एक मौका मुझे चाहिए। हाँ रेहान, क्या तुम जानती हो रेयान, मोहब्बत करने से भी मुश्किल क्या होता है? जब आपको इस बात का इल्म हो जाए कि जिस शख्स से आप इतना प्यार करते हैं वो आपको कभी मोहब्बत नहीं दे सकेगा।